हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा। इससे पहले मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। देखिए, मैंने अभी पीडी के ऊपर मतलब परमानेंट डिसकनेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एनओसी से रिलेटेड बात करी थी और कनेक्शन बंद करने के बाद हमें जो विद्युत मंडल का ड्यू होता है उसके क्लियर होने के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करी थी। लेकिन उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, इस वजह से मैंने सोचा कि कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर कनेक्शन बंद करने को लेकर के मतलब पीडी करवाने को लेकर के मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम एक सही तरीके से बिजली कनेक्शन को हम बंद करवा सकें, सरेंडर करवा सकें, ताकि हमें भविष्य में बिजली विभाग से किसी तरह की कोई पेनल्टी या कोई राशि या किसी तरह की कोई दिक्कत ना मिले। तो इसके लिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जब भी आप कोई सा कनेक्शन बंद करवाना चाहते हैं तो बंद करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप 1912 पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर से ही आपको यही बोलेंगे कि आप जोन पर जाकर के एप्लीकेशन दें। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने संबंधित जोन के ऊपर एक लिखित एप्लीकेशन दें जिसकी रिसीविंग जरूर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कनेक्शन बंद करवाना चाहते हैं तो नॉर्मल पेज पे जोन प्रभारी के नाम से मतलब जो हमारा जेई होते हैं, एई होते हैं या एसडी होते हैं, जो भी ऑफिसर वहाँ पर विद्युत मंडल के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं, उनके पास आप जा करके उनके नाम से आप एक एप्लीकेशन दें वहाँ पर कि हमारा ये कनेक्शन है, इस नाम से ये कनेक्शन है और इसका ये IVRS नंबर या सर्विस क्रमांक या अकाउंट नंबर है और इसे हम बंद करना चाहते हैं। क्यों बंद करना चाहते हैं, एक या दो लाइन में आप उसका छोटा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि हम मतलब एक नॉर्मल एप्लीकेशन में कि हम ये कनेक्शन है और हम इस वजह से इसको बंद कर रहे हैं। और जो आप एप्लीकेशन वहाँ पर देंगे उसकी दो कॉपी आपके पास होना चाहिए, मतलब एक वहाँ पर जो जमा होगी और एक आपको उसके ऊपर रिसीविंग करके मतलब सील सिग्नेचर ला करके वो रिटर्न देंगे, मतलब वो एक प्रूफ होता है। तो ये तो होता है ऑन राइटिंग ऑप्शन। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमारे जोन पर एप्लीकेशन नहीं लेते हैं, कोई आवेदन नहीं लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि सबसे बड़ी गलती उपभोक्ता की होती है, क्योंकि सरकार के किसी भी विभाग में, वो कोई भी विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य हो, कोई सा विभाग हो, वहाँ पर आप किसी भी अधिकारी को लिखित शिकायत या आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकता है। और सरकार के हर विभाग में आवक जावक का एक मतलब अधिकारी या एक भी एम्प्लॉय मतलब एक कर्मचारी होता है जो इस तरह के सभी शिकायत पत्र या आवेदन पत्र लेता है, जिसका ऑन रजिस्टर हिसाब रखा जाता है कि उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा कोई भी मना करता है तो आप इस चीज़ के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके सरकार के हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। खैर, उसके लिए मैं अलग से पूरा वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। तो देखिए, ये तो हुआ लिखित शिकायत के ऊपर। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप स्पीड पोस्ट से मतलब जो भारतीय डाक होता है उससे स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्री करके भी इनके पास पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कोई वकील आपके पास किसी तरह कोई नोटिस पहुंचाता है, वैसे आप भी इनके पास अपना जो एप्लीकेशन है वो स्पीड पोस्ट से पहुंचा सकते हैं। उसके लिए नॉर्मल 30-40 या 50 रुपये ही चार्ज लगता है हमें, पोस्टिंग चार्जेस जो होता है। तो देखिए, ये तो हुआ आवेदन करने का। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बहुत सी बार जब हम कनेक्शन बंद करने की एप्लीकेशन देते हैं तो विद्युत मंडल काम नहीं करता है, या बहुत सी बार आपको बोलता है कि आप इतना अमाउंट आपका बचा है आप भर दीजिए, लेकिन आप भर देते हैं उस समय, लेकिन कंटिन्यूसली आपके बिल आते रहते हैं, कुछ समय के लिए नहीं आता, लेकिन सालों बाद फिर हजारों लाखों रुपये में आता है। मैं इस तरह की वीडियो इससे ऊपर पहले भी बहुत सारे बना चुका हूँ, तो आप पहले की वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बिजली विभाग उपभोक्ता के साथ मतलब लूट करता है सालों बाद कनेक्शन बंद करने के बाद। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि आपने बंद करने की प्रोसेस पूरी नहीं की होती है, ये सबसे बड़ी गलती उपभोक्ता की होती है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सही तरीके से बंद कैसे करना है। देखिए, इसमें हमें दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी हम कोई कनेक्शन बंद करते हैं। एक तो जो आपका मीटर लगा हुआ होता है उस मीटर को उतारने की रिसिप्ट, जो कि विद्युत मंडल के कर्मचारी जब निकालते हैं तो वो निकाल के लेकर जाने के बाद उस मीटर को निकालने की रसीद उसी समय हमें हैंड टू हैंड मिलना चाहिए। आपको मैं स्क्रीन पर एक सैंपल दिखाऊंगा कि किस तरह से मीटर को आपके घर से, ऑफिस से या दुकान से मतलब फैक्ट्री में मतलब जहां पर भी हो, जिस भी जगह पर वो लगा हुआ, तो जब वहां से निकलता है तो उसकी एक रसीद मिलती है विद्युत मंडल से मीटर उतारने की। वो रसीद देखिए स्क्रीन पर आपको दिखेगी, इस तरह से मिलती है। तो ये प्रूफ होता है कि आपका मीटर उतर चुका है, मतलब जिस दिन आपका मीटर उतर चुका है उस दिन से आपकी बिलिंग नहीं हो सकती है। ये तो हुई पहली बात। इसके बाद में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फाइनल बिल रसीप्ट। क्योंकि जब भी आप अपना जो नॉर्मली बिल भरते हैं तो उसमें आप जितना भी अमाउंट भरते हो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, लेकिन जो फाइनल बिल होता है, जो फाइनल रिसिप्ट होती है, मतलब कि उसके अंदर अमाउंट के साथ में
लास्ट में लिखा हुआ आता है कि फाइनल रिसिप्ट, मतलब इसका ये मतलब होता है कि ये आखिरी बिल है, अब इसके बाद इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है। फाइनल पेमेंट ही एक तरह से आपकी NOC होती है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और इनको आप हमेशा संभाल करके रखिए। सबसे पहला मीटर उतारने की रिसिप्ट और उसके बाद में दूसरा जो होता है फाइनल रिसिप्ट। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको किसी भी तरह से कोई समस्या होती है, बिजली विभाग आपके मतलब आपके घर पे किसी तरह का कोई बकाया महीनों या सालों बाद देता है, तो उसके खिलाफ आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं या बिजली कंपनी को शिकायत कर सकते हैं इन दोनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। इसके अलावा एक और काम होता है जो जिसमें मैंने NOC के बारे में बताया था। तो आप जब इन दोनों चीज़ों का अगर कर देते हैं तो उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि आपने संबंधित जोन के ऊपर एक अग्रिम सूचना का लेटर पहुँचा सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अग्रिम सूचना मतलब कि आप विद्युत मंडल को बाय स्पीड पोस्ट या मतलब डाक से रजिस्ट्री करा के या स्पीड पोस्ट से, मतलब दोनों में से किसी से भी आप अपने स्पीड अपना जो संबंधित जोन है वहाँ पर ये अग्रिम सूचना का एक लेटर पहुँचाइए। उसके अंदर आपको जो भी वहाँ पर ऑफिसर होता है उसके नाम से आपको लेटर बनाना है। उसमें ये चीज़ लिखना है कि हमने इस दिनांक को हमारा मीटर उतरा, इस दिनांक को हमने फाइनल रिसिप्ट करी, इन दोनों के रसीद क्रमांक आपको उसके अंदर रखना है। या आप एक फोटोकॉपी उसमें साथ में पीछे लगा सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि हमने प्रतिलिपि इसकी संलग्न करी है साथ में। और उसमें आपको विद्युत मंडल के जो जोन के प्रभारी या जो भी वहाँ पर AEJE SDO होते हैं उस अधिकारी को ये कहना है कि हम इस तरह के पेमेंट और ये दोनों कर चुके हैं। अगर विद्युत मंडल से संबंधित किसी तरह का कोई बकाया बचा है तो हमें इसी समय सूचित करें, भविष्य में अगर कोई बकाया निकलता है तो हम भरने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इतना काम करने के बाद बिजली विभाग आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बहुत सी बार बिजली कनेक्शन बंद कराना बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। जब कोई मकान चेंज करता है या बेचता है या खरीदता, उस समय इस तरह की समस्या हमें फेस करना पड़ती है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी डिटेल बताई कि किस तरह से आप अपने कनेक्शन को बंद कर सकते हो और भविष्य में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मेरी वेबसाइट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे मेल के थ्रू, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको उस चीज़ के लिए समाधान दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि विद्युत मंडल की लूट से बचने के लिए हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। Thanks for watching.